हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल रसोई एंड व्यास क्रिएशन। सिंपल रसोई और व्यास क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे अभी देख पा रहे हो, ये जितना भी आप भेड़ बकरियां ये देख पा रहे हो, ये है हिमाचली शेफर्ड लाइफ, जिसे हम हिमाचली गद्दी लाइफ कह सकते हैं। ये देख सकते हो कितनी तादाद में यहाँ ये लोग होते हैं। ये अपनी इन भेड़ बकरियों को जंगल में ही चराते हैं, वहीं अपना रहन गुजर बसर करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा दूं कि अभी मैं खड़ा हूं, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से इस तरफ दिखाएं थोड़ा, जैसा कि आप दोस्तों तस्वीरों के माध्यम से अभी देख सकते हो, आप झंडे वगैरह इत्यादि देख के समझ ही गए होंगे कि मैं खड़ा हूं अभी भट्टू मॉनेस्ट्री, जो कि काफ़ी बड़ी मॉनेस्ट्री है दोस्तों। यहां पालमपुर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे ये भट्टू नामक मॉनेस्ट्री है, जहां मैं पहले भी आया था, लेकिन कोविड के चलते वहां पे अभी बैन था। लेकिन जो यहां की मेन मॉनेस्ट्री है, वो तो टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस कर दी है, बैन है टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए, क्योंकि कोविड के चलते, क्योंकि उनका कहना था कि वहाँ पर बच्चे भी है, तो इस करके वहाँ पे बैन है। तो अभी हम कोशिश करेंगे इस वाली मॉनेस्ट्री में चलने की, तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ अंत तक। आपको पल पल की खबर से रूबरू कराया जाएगा, हर एक बारीक चीज से रूबरू कराया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ और मिलता हूँ मैं सीधा मॉनेस्ट्री के गेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो कि हमें ये जो मास्क मैंने हाथ में लिया हुआ है ना, ये मैंडेटरी है यहाँ पे, तो इसके बिना तो एंट्री नहीं है। और अभी जैसे मेन गेट पे मैं पहुंचूंगा, जो ये सेकंड वाली मॉनेस्ट्री है, यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ, तो यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि हमें जाने की इजाज़त मिलती है, परमिशन मिलती है। तो आपको बारीकी से रूबरू कराया जाएगा हर एक चीज़ से दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप अभी देख सकते हो, गाड़ी को कर दिया मैंने यहाँ पे पार्क, इस तरफ दिखाया था। ये आप देख सकते हो, ये आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हो, ये है भट्टू मॉनेस्ट्री, जो कि काफ़ी बड़ी मॉनेस्ट्री है दोस्तों, काफ़ी बड़ी मॉनेस्ट्री। धर्मशाला के बाद अगर कोई बड़ी मॉनेस्ट्री है तो वो है दोस्तों भट्टू मॉनेस्ट्री बैजनाथ, काफ़ी बड़ी मॉनेस्ट्री है। तस्वीरों के माध्यम से आप अभी देख सकते हो, पूरा दिखाएं, पूरा व्यू दें, क्लियर व्यू दें, चारों तरफ से व्यू दें, क्लियर ऊपर से लेके नीचे तक क्लियर व्यू दें। इस तरफ दिखाएं थोड़ा। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो काफ़ी साइन बोर्ड्स हैं, ओल्ड एज केयर सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर, कुछ इस तरीके से यहाँ पे साइन बोर्ड लगा के रखे हैं। और इस तरफ दिखाएं थोड़ा, तो वहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे देखने को मिलती है, थोड़ा नज़दीक आए। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ देखने को लगी ना दोस्तों, तो ये देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से, तो सीधा सीधा इन्होंने साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको बचा के ही रखें, सेफ रखें दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पे लगा के रखी गई हैं, लिखी गई है दोस्तों। तो अभी सीधा मिलता हूँ मैं आपसे मेन गेट, जो इनका सिक्योरिटी वाला गेट है, वहाँ पे दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें दोस्तों, बने रहे वीडियो में अंत तक मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी देख सकते हो, तो यहाँ पे मुझे परमिशन मिली है, मैं आपको अभी अंदर से दिखा देता हूँ। ये है मॉनेस्ट्री के अंडर पड़ने वाले इनके रेस्ट हाउसेज हैं और काफ़ी बार्स हैं, वो इत्यादि जो भी है वो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। तो आप अभी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो दोस्तों, ये है मेन गेट। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ स्टुपा गेस्ट हाउस, थोड़ा इस तरफ दिखाएं, नज़दीक से दिखाएं। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों जैसा कि आप अभी ये तस्वीरों में देख सकते हो, ये लिखा हुआ है स्टुपा गेस्ट हाउस विद रेस्टोरेंट एंड गिफ्ट शॉप, अपर भट्टू तहसील बैजनाथ। तो गिफ्ट शॉप इत्यादि और रेस्टोरेंट कम्बाज वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अभी अंदर, और अधिक जानकारी के लिए जो यहाँ के मेन ऑफिशियल हैं, उनसे भी बात करके हम सटीक जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी समय जो है वो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि परमिशन लेने के लिए समय लग रहा है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये है मेन गेट, जो इनके गेस्ट हाउसेज कम होटल्स कम रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। तो उसके बगल्स में ये शॉप भी हैं कुछ, उनसे भी मैं रूबरू कराता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे क्या कुछ आपको मिल सकता है, जो तिब्बतन मूल के लोगों का जो सामान है वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या आपको यहाँ पे उपलब्ध मुहैया कराया जा सकता है इनके द्वारा, स्टुपा गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट एंड तिब्बतन गिफ्ट शॉप के अंदर। तो चलें इस तरफ दिखाएं थोड़ा सा।
ये देख सकते हो दोस्तों, ये कुछ इनके मफलर्स वगैरह कुछ ऐसा ही कहते हैं, मफलर्स वगैरह ये इत्यादि वगैरह आपको मिल जाते हैं। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ये कुछ चप्पल्स सैंडल्स कह सकते हो, जो कुछ आप कह सकते हो। तो ये बच्चों के लिए लड़कियों के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ें, और आपको काफ़ी नेगोशिएबल प्राइसेस जो हैं वो यहाँ के शॉप ऑनर द्वारा मुहैया करा दिए जाते हैं। तो काफ़ी वैरायटीज़ हैं दोस्तों, मैं आपको एक एक करके गिनाऊँ तो काफ़ी टाइम काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ जो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये है शॉप, आप देख सकते हो ये इनकी शॉल्स है, और इसमें भी आपको ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भी आपको इनकी जो शॉल्स मफलर्स इत्यादि हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा तिब्बत। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे मुहैया करा दी जाती है। जो भी टूरिस्ट जो विजिटर्स यहाँ पे विजिट करते हैं, इस भट्टू मॉनेस्ट्री को देखने के लिए आते हैं दोस्तों, तो उनके लिए यहाँ पे सारा सामान अवेलेबल एक ही प्लेस पे एट ए टाइम मिल जाता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ और मिलता हूँ सीधा आपसे मोनेस्ट्री में पड़ने वाले मंदिर में। दोस्तों सही, मैं मेन गेट से बैक साइड आता हूँ, जो यहाँ पे मैंने आपको स्तूपा गेस्ट हाउस कम रेस्टोरेंट बताया, तो उसके जब मैं बैक साइड आता हूँ दोस्तों, तो मुझे ये कुछ उन्होंने नाम करके भी लिख दिया, जो वहाँ पे पढ़ने वाला ये टेंपल है दोस्तों, उनका नाम लिख दिया इन्होंने, ताकि मुझे बोलने में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये टिपिकल वर्ड्स हैं, बोलने में दिक्कत आती है दोस्तों। इस करके मेरी सहूलियत के लिए और आपको क्लैरिटी से बताने के लिए उन्होंने मुझे ये हैंड रिटन लिख के दे दिया। इस तरफ आप देख सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ है पाल पुंग पर्यावरणीय संगठन, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट, नो दैट फ्रूगल, पता नहीं क्या लिखा है दोस्तों, टिपियन लैंग्वेज है। लेकिन ये रास्ता जो है बैकयार्ड कह सकता हूँ मैं इसे, यहाँ से होते हुए मुझे अपना सफ़र तय करना है मंदिर तक का। तो चलते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं दोस्तों मंदिर की तरफ। और पीछे आपको मैं दिखाऊं दोस्तों, तो काफ़ी बच्चे हैं जो इस मॉनेस्ट्री को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं बच्चे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, तो बच्चे आप यहीं रहते हो? हाँ मम्मा मम्मा यहीं रहते हैं? हाँ हाँ, पूछो इनसे, पूछो इनसे कहाँ रहते हो, थोड़ा नजदीक से पूछो, नजदीक से पूछो, जोर से बोलो थोड़ा। भट्टू में रहते हैं आप? भट्टू में रहते हो आप भी? आप भाई बहन हो? हाँ दीदी के लड़के हो। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये छोटे छोटे नन्हे से बच्चे हैं, ये भी इस मोनेस्ट्री में ही रहते हैं जैसा कि मुझे इनसे जानने को मिला। तो बेटे मंदिर के लिए ये रास्ता जाता है? अच्छा, तो देखिए दोस्तों इन्हें भी मालूम है, तो इनका कहना है कि मंदिर के लिए ये सीधा, जहाँ पे मेरी फिंगर का इशारा है, जहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से अभी देख पा रहे हो, ये रास्ता पौड़ियों के रास्ते से होते हुए हमें तय करना है और मंदिर तक पहुँचना है, ताकि आप तक सही जानकारी पहुँचाई जा सके दोस्तों। तो अभी ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए दोस्तों, अभी बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ और आपसे मिलता हूँ सीधा मंदिर की तरफ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, पहले मैं मास्क को कर लेता हूँ नीचे। तो दोस्तों अभी मैं जो मेरा मेन गेट था स्तूपा गेस्ट हाउस का, उससे मैं काफ़ी पीछे आ चुका हूँ, काफ़ी दूर आ चुका हूँ दोस्तों, जैसा कि आप अभी तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हो। तो दोस्तों ये सामने की तरफ आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख पा रहे हो दोस्तों, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये मोनेस्ट्री के अंडर पड़ने वाली। तो मुझे मालूम नहीं है कि ये टेम्पल है यहाँ पे या क्या है। तो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं पीछे से दिखा दूँ दोस्तों आपको कि किस रास्ते से होते हुए मैंने यहाँ तक का सफ़र अभी तक नहीं किया है। तो पीछे से थोड़ा शूट करें, पीछे से दिखाएं। तो दोस्तों आप ये हरे वाली बिल्डिंग, जो ये मेरी फिंगर के इशारे से हरी वाली बिल्डिंग देख पा रहे हो दोस्तों, ये था स्तूपा गेस्ट हाउस का मेन गेट। तो यहाँ से होते हुए इस तरफ दिखाएं, तो ये देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ से होते हुए हम पीछे की तरफ आए, काफ़ी दूर हम पहुँच चुके हैं, और इस तरफ दिखाएं, इस तरफ जो तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों आप देख पा रहे हो अभी, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर देखते हैं हमें कि मंदिर के लिए कौन सा रास्ता मिलता है, हमें परमिशन मिलती भी है या नहीं मिलती है। तो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सांस आप देख सकते हो काफ़ी उखड़ चुकी है, काफ़ी उतराई है, फिर चढ़ाई उतराई चढ़ाई इस तरीके से है बिल्डिंग, अभी आपको तस्वीरों में दिखाई दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको यहाँ से परमिशन लेके दर्शन कराता हूँ मैं मोनेस्ट्री के अंदर पड़ने वाले मंदिर के दोस्तों। तो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं भट्टू जो मोनेस्ट्री है उसका जो मेन टेंपल है दोस्तों, वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और बार बार कहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे मास्क उतारना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे बोलना है
और धूप काफी तेज है और पूरा मुंह में पसीना ही पसीना हो जाता है। तो सामने की तरफ आप देख सकते हो ये यहाँ पे छात्र हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और ये कहते हैं जैसा कि मैंने इनसे पूछा कि भैया 2 मिनट मिलेंगे, तो इनका कहना था कि सब्जी वगैरह काटना है क्योंकि लंच का भी इनका समय है, कुछ ऐसा इनका कहना। तो चलते हैं इनसे भी जानने की मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। तो सर थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये भट्टू मॉनेस्ट्री अभी बंद कर दी गई है, क्या है? आप चलिए छोड़िए, आप इतना बता सकती हो हमें कि ये जो सामने आप देख रहे हो तस्वीरों में दिखाई थोड़ा, तो ये जो दोस्तों आप तस्वीरों में देख पा रहे हो ये है भट्टू मॉनेस्ट्री में पड़ने वाला टेंपल, जो कि काफ़ी बड़ा है, ना जाने कितने ही किलोमीटर्स में ये फैला हुआ है दोस्तों। तो इससे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा, इस तरफ दिखाएं। तो थोड़ा सा इनसे जाने की कोशिश करता हूँ। तो मंदिर के अंदर जा सकते हैं हम लोग? जा सकते हैं। कहाँ से है रास्ता? वहाँ से अंदर जा सकते हैं ना। तो दोस्तों जैसा कि भाई साहब का कहना था, ये स्टूडेंट्स हैं, इनका ऐसा कहना कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, वो इस तरफ है। तो यहाँ से होते हुए आपको कराता हूँ मैं दर्शन अंदर चल के। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ अंत तक दोस्तों। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं जो ये भट्टू मॉनेस्ट्री जो अंडर बैजनाथ पड़ती है दोस्तों, काफ़ी बड़ी मॉनेस्ट्री है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं सर? तो ये स्टूडेंट हैं, आपको अपना नाम बताएंगे प्लीज़? हाँ जी, तेंजिम सोनम। तो तेंजिम सोनम जी ये छात्र हैं यहाँ पे भट्टू मॉनेस्ट्री में, तो इनसे जाने की कोशिश करता हूँ। और मैं खड़ा हूँ दोस्तों जो भट्टू मॉनेस्ट्री के टेंपल है, मेन टेंपल है वहाँ पे, तो अभी भी बंद है ऐसा, इनसे जाने की कोशिश करता हूँ। भैया थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को, थोड़ा मॉनेस्ट्री के बारे में बताएं कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, और आप जैसे स्टूडेंट्स हैं तो कितने स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी जो हैं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कुछ ऐसा दर्शकों को बताएं प्लीज़। थोड़ा ज़ोर से बोले प्लीज़। यहाँ पर फिलहाल दर्शन तो करने बहुत ही बाहर, सिक्किम भूटान नेपाल, सिक्किम भूटान नेपाल इत्यादि। हाँ जी, और विदेशों से भी आते हैं लोग यहाँ? विदेश आते हैं दर्शन करने के लिए, विदेशों से भी दर्शन करने हेतु आते हैं। बिल्कुल। तो अभी क्यों बंद है ये मंदिर? अच्छा, तो ये तेंजिम सोनम जी का कहना है, जो स्टूडेंट है यहाँ के, इनका ऐसा कहना है कि अभी लंच ब्रेक इनका चल रहा है, इस करके टेंपल जो है वो बंद है, लेकिन 1 बजे 1 बजे 1:30 बजे मंदिर ओपन रहता है। और कितने बजे तक ओपन रहता है ये? 6:30 बजे तक ये मंदिर ओपन रहता है, ऐसा तेंजिम सोनम जी का कहना। तो सर थोड़ा सा पास आके हमें दिखाएंगे, थोड़ा सा दिखाएं ताकि हम अपने दर्शकों को जानकारी दे सकें, ताकि जो भी लोग वीडियो देखेंगे वो इजीली वीडियो देख के यहाँ तक आ सकें और दर्शन कर सकें। थोड़ा नज़दीक चल के दिखाएंगे प्लीज़, थोड़ा प्लीज़। तो फ्रेंड्स ये भी दिखा देता हूँ, ये है भट्टू मॉनेस्ट्री का टेम्पल जो काफ़ी बड़ा है दोस्तों, अभी बंद है जैसा कि सर ने कहा अभी। तो ये है मेन गेट, जो टेंपल का मेन गेट है दोस्तों, ये देख पा रहे हो। तो अभी बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ, आपको बताता हूँ मैं मेन गेट के रूबरू। चलिए दोस्तों, तो बने रहे हैं वीडियो में अंत तक मेरे साथ। अभी तो कौन सी होगा, थोड़ा सा बाहर से ही व्यू दिखा रहे हैं, थोड़ा तो उतार दें यहाँ जूते, यहाँ पे उतार देंगे एक दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो अभी जैसे मंदिर बंद है, लेकिन फिर भी हम आपको बाहर से रूबरू कराऊंगा दोस्तों। मैंने कहा है ना कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको सटीक से सटीक जानकारी मिलती रहेगी और मिलती ही है दोस्तों। ये देख सकते हो ये है टेंपल का, जो भट्टू मॉनेस्ट्री के टेंपल का मुख्य द्वार दोस्तों। तो ये है यहाँ पे, ये शेर जी है, शेर की मूर्ति है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो अभी यहाँ से होते हुए चलते हैं, इसमें लोग सिक्का डालते हैं, कुछ सिक्के डाले हुए हैं, ये मन्नत होती है किसी? अच्छा, जो उनकी पूरी होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये अभी इस मटके के अंदर देख पा रहे हो, ये मटके के अंदर देख पा रहे हो ये सिक्के डाले गए हैं यहाँ पे। तो जो भी लोग, इनका ऐसा कहना है कि इनका ऐसा कहना है कि जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, जो इस टेंपल में आते थे, जो अपनी विशेष रखते थे यहाँ पे भगवान के आगे, उनकी जब मन्नतें पूरी होती हैं तो कुछ इस तरीके से ये मटका बनाया गया है। तो इसके अंदर वो सिक्का डाल के आगे की तरफ दर्शन करने का रुख करते हैं दोस्तों। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ।
दोस्तों अभी आप देख सकते हो जो मैंने आपको नीचे से दिखाया, जब मैं स्टेयर्स चढ़ के ऊपर की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है, इस तरफ दिखाएं, इस तरफ नदी चल के आए, नदी चल के आए, तो यहाँ पे हम करते हैं नमन, क्योंकि अभी दोस्तों लंच का टाइम है, इनका ऐसा कहना, ब्रेक चल रही है, तो अभी मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो बंद है, तो ऐसा संजीव सोनम जी का कहना जो यहाँ पे छात्र हैं। लेकिन दोस्तों 1:30 बजे ये खुल जाता है और शायद 6:30 बजे तक ये ओपन रहता है, और इनका ऐसा कहना कि यहाँ सिक्किम, भूटान, नेपाल और बाहर देशों से लोग यहाँ मोनेस्ट्री के दर्शन करने और इस टेम्पल के दर्शन करने हेतु यहाँ पे विजिट करते हैं। दोस्तों काफ़ी बड़ा ये मंदिर है सर, चारों तरफ से दिखाएंगे, थोड़ा चारों तरफ से घुमा दें प्लीज़ एक बार, तो तस्वीरें पूरी पूरी तरह से कैप्चर करें, पूरी तरह से फिल्मांकन करें इस मोनेस्ट्री के टेम्पल का, प्लीज़ जूम आउट कर लें पिक्चर्स को। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपने कैमरामैन से कि मुझे एक चीज़ और थोड़ा खास है सर, मुझे ये जो छात्र हैं इनसे मालूम चला है, माफ़ी चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे ना ये सामने दिखाएं थोड़ा, ये सामने आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये सामने मैं जहाँ पे इशारा कर रहा हूँ ये सामने आप अभी देख पा रहे हो, ये है बेल। जब भी इन स्टूडेंट्स की क्लास लगती है दोस्तों तो इसे बजाया जाता है, और जो भी स्टूडेंट्स अगर बाहर हैं, मोनेस्ट्री के बाहर हैं, जहाँ भी हैं, तो वो ये सुन के अपनी क्लास में दौड़े दौड़े चले आते हैं, तो ये उस चीज़ का सायरन समझो दोस्तों। तो ये इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लगाए गए हैं, और दोस्तों ये पिलर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या खूब कलाकृति है दोस्तों बनाने वाले की, ये देख सकते हो कितनी अच्छी कलाकृति यहाँ पे बनाई गई है इस टेम्पल के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैं आपको मंदिर का मुख्य द्वार मैंने दिखा दिया, अंदर से दर्शन नहीं करा पाया, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि लंच का समय है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों चलिए फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक सुरक्षित रहें फ्रेंड्स।